आज हम बात करेंगे टाइटेनिक जहाज के बारे में। दोस्तों टाइटेनिक जहाज इतना बड़ा था कि 3 फुटबॉल के मैदान टाइटेनिक के अंदर समा सकता था। दावा किया गया था कि टाइटेनिक कभी ना डूबने वाला एक जहाज है, लेकिन किसे पता था कि एक दिन टाइटेनिक को अटलांटिक महासागर अपने अंदर समा लेगा। टाइटेनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से अमेरिका के लिए अटलांटिक महासागर में रवाना हुआ। फिर 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को रात में अटलांटिक महासागर में बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसके कारण हिमखंड का अच्छे से पता नहीं चला। फिर रात को 11:40 में खतरे की घंटी बजा और पता चला कि बहुत ही जल्द टाइटेनिक एक हिमखंड से टकराने वाला है। टकराने से 40 सेकंड पहले ही पायलट को पता चल गया था कि टाइटेनिक एक बहुत बड़ा हिमखंड से टकराने वाला है। तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि टाइटेनिक का स्पीड इतना था कि इसके स्पीड को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था। देखते ही देखते टाइटेनिक उस हिमखंड से टकरा गया और दो भागों में टूटकर अटलांटिक महासागर में समा गया।